मोदी जी अभी हमारी उम्र खेलने की है, खा पी कर खेल कर बड़े हो जाएंगे तो सीमा की सुरक्षा करेंगे, रेखा की, संगीता की, गीता की, सबकी। अब जहाँ जहाँ हमारे मजाकिया सीन हैं, जहाँ फनी साउंड है, लाफ्टर की जरूरत होती है। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो एडिटिंग लेकर मैं सुरेन वर्मा हाजिर, आप देख रहे हैं वाइट इनसाइड। आज के इस खास वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक एक कार्टून वीडियो की एडिटिंग सीखेंगे, एक कॉमिक वीडियो जिसे बनाकर आप अपना पूरा चैनल ही चला सकते हैं। एक कार्टून वीडियो को आप अपने रेगुलर चैनल पर कभी कभी पोस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैं करता हूं, या फिर आप चाहें तो एक कार्टून चैनल ही बना सकते हैं। एनीवे आप लौट चलें टॉपिक पर, देर नहीं करते हैं, पहले देख लीजिए किस तरह से कौन सी ऐप है, किस तरह से इसमें काम करना है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप कुछ थोड़ा सा देखकर ही भागने वाले हैं तो बहुत सारी चीजें मिस करने वाले हैं, वापस लौट कर आएंगे वीडियो पर, आई गारंटी। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ खास टिप्स, कुछ खास प्रो टिप्स मैं आपको हैंड टू हैंड जहां जरूरत होगी ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। तो चलिए पहले देखते हैं इसे और बेहतर बनाने के टिप्स के साथ, मैं मिलता हूं एंड में। दोस्तों सबसे पहले हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है ट्विन क्राफ्ट। तो हम फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऐप मैंने ओप्पो पर इंस्टॉल की है, इससे पहले स्क्रीन बड़ी है इसलिए मैं यहाँ इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर है अवेलेबल, नो टेंशन। लीजिए इंस्टॉल हो गई। तो एप्लीकेशन को जब हम पहली बार खोलते हैं तो ये स्क्रीन आती है कि हमें लैंग्वेज कौन सी रखनी है, ये एप्लीकेशन की लैंग्वेज है। तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, मेन्यू भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा, आप किस तरह के वीडियोज़ बना सकते हैं। आप देखिए इस तरह वाले वीडियोस बहुत शानदार वीडियोस बनते हैं जनाब। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं हमारी एक शानदार एनिमेशन, और ऐसा करने के लिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट जो आइटम है, देखिए यहाँ पर आइटम्स है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, बहुत ही आसान इंटरफेस बनाया। मुझे काफ़ी सारी एप्लीकेशन मैंने चेक की और भी हम उस पर ट्यूटोरियल लेके आएंगे, सबसे ईजी मुझे ये लगा। करेक्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या लेते हैं, हम ये भाई ले लेते हैं, एक तो ये टो ले लेते हैं, फ्री का है इस पर, इसको हमने ले लिया। फिर ये देखिए इससे आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, देखिए हम इसे रखते हैं यहाँ पर, अपने आप ही सीन के अकॉर्डिंगली ये अपने आप जो है अपना फेस चेंज कर लेते हैं, कि ऐसे आते ही यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर हम टो को रखते हैं और इसमें देखा आपने कि इस जो ये वाला सिंबल है इससे आप इसे मूव कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो इसके हाथ हैं इससे इस तरह एनिमेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देखिए चेहरे पर, अगर मैंने चेहरे पर उंगली रखकर इस तरह से मूव किया तो हम इस पर भी दे सकते हैं, लात पर भी इस तरह की, आप कोई स्टाइल से खड़ा कर सकते हैं। आपके पास मान लो चेयर है तो आप इस तरह से लातों को करके इसको उस पर बिठा भी सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। एक करेक्टर हमें और चाहिए बात करने के लिए इससे, तो हम ले आते हैं मोदी जी। देखिए मोदी जी आ गए हैं और मोदी जी को हम मूव करते हुए यहाँ रख देते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों कैरेक्टर आ गए, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए, अगर आप इसी चीज़ को जंगल में, देखिए जंगल में आप दोनों को बातें करते हुए दिखाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि अगर इस भाई के नीचे पत्थर होता तो ये बैठा हुआ अच्छा लगता, इसे हम खड़ा ही कर लेते हैं। लातों को ऐसे सीधा करेंगे, इस भाई को थोड़ा ऊपर करेंगे। जैसे ही आप करेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, देखिए नीचे हैप्पी फेस, क्राई फेस, बहुत सारे इम्प्रेशंस भी आते हैं। आप चश्मा लगा दीजिए भाई के, ये देखिए स्टाइल से इसने रजनीकांत की तरह से चश्मा लगाया, जय हिंद मोदी जी। ठीक है, तो ये हुआ सिस्टम। तो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन हम बैकग्राउंड नहीं लेंगे। ओके, तो हम बैकग्राउंड में फिर से क्लिक करते हैं, हमें चाहिए ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन हमने ले ली। अब इस ग्रीन स्क्रीन को हम बाद में वीडियो एडिटर में, काइन मास्टर में निकाल लेंगे और जैसा मर्जी बैकग्राउंड हम लगा लेंगे, ये है हमारा प्रोसीजर। तो हमने बैकग्राउंड ले लिया ग्रीन और ले लिए दो करेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी यहाँ पर इनके पास चीज़ें हैं, कुछ सारी चीज़ें फ्री हैं जो फ्री लिखे हैं, और कुछ चीज़ों के आगे कॉइन्स हैं। वो जैसे कि हमें ये रेडियो है, ये क्या है, स्कूटर है। देखिए स्कूटर दो कॉइन के, तो हम इसे नहीं ले पाएंगे, हमारे पास दो कॉइन्स होने चाहिए। ऊपर देखिए आप यहाँ पर बना हुआ परचेज कॉइन्स, इससे कॉइन्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम फ्री वाला चीज़ ले, ये वाली हैट हमने ले ली।
इस हेड को आप यूं छोटा करते हुए, जिस भी तरह से दो उंगली से आप छोटा कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो मोदी जी बीच का जैसे बीच के सीन पे आप बनाना चाहते हैं, आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले आपको स्टोरी लिखनी होती है, एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे सीन में चाहिए हमें कि मोदी जी की कैप लगी हो तो आप इस तरह से कैप ले सकते हैं। चश्मे वाला सीन देख लिया, चलिए मेन चीज़ पर चलते हैं। ये आप यहाँ पर वक्त निकाल कर अच्छे से वक्त दीजिएगा, इस ऐप को बहुत काम आप कर सकते हैं। मेन काम जिस पर सारा काम धाम टिका है वो है इनकी बातें। हमें अपनी ही आवाज़ में बोलना है और अपने आप हो जाएगा। जैसे कि पहला कैरेक्टर हमारा बोलता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सीन बनेंगे। पहले सीन में मोदी जी बोलते हैं, इसको माइक्रोफोन की हम दे देते हैं एक बार। छोटू कैसे हो? ठीक है, ये हो गया। अब छोटू बोलेगा, मोदी जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? ये हमारा पहला सीन तैयार हो गया है। आप दो दोस्त बैठकर बना रहे हैं तो यूज नॉर्मल वॉइस, इस वाले को यूज करेंगे, अदरवाइज आप अपनी वॉइस को यहाँ से चेंज करेंगे। पिच, ये बच्चा है तो पिच जो है बच्चे की वो पतली होगी। पिच का मतलब जो है आवाज़ की मोटाई को कह समझ लीजिए आप। बच्चा होगा तो उसकी आवाज़ पतली होगी ना, तो आप इसको थोड़ा कम कर देंगे। टेम्पो है स्पीड, बच्चा बोलता भी तेज है तो टेम्पो को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फटाफट से बोलेगा। और मोदी जी जो हैं उनकी आवाज़ आपको पता है, मोदी जी धीरे धीरे बोलते हैं तो उनकी टेम्पो जो है वो कम होगी और पिच है वो मोटी होगी, वो ज़्यादा होगी। मोदी जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? आप सुनकर देख लीजिए और आपको जब तक तसल्ली नहीं हो जाती, इसे बोलते हैं सीन। ये पहला सीन है, एक सीन में दोनों करेक्टर एक बार बात करेंगे फिर हम सीन बदल लेंगे। दे देते हैं एक बार, ये मेरी खुद की आवाज रिकॉर्ड हो गई। छोटू कैसे हो? कुछ को थोड़ा कम करते हैं फिर दे देते हैं एक बार। छोटू कैसे हो? ठीक है, आई थिंक ये सफिशिएंट है। देखिए दोस्तों, ये नीचे मेन्यू है, इस पे हमने क्लिक किया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट फ्रेम पे, अगला सीन बन गया। जो जीरो नंबर फ्रेम था एक और ले लेते हैं, आई थिंक ब्लैंक छोड़ देंगे एक बीच में। तो अब हम अगले फ्रेम पर पहुंच गए हैं। अब लास्ट टाइम मोदी जी ने पूछा था छोटू कैसे हो, ठीक है, तो अब छोटू जवाब देगा। तो फ्रेंड्स हमारी देखिए 4 फ्रेम की एनिमेशन हो गई है। जब हमारी एनिमेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो हमें इसे कर लेना है एक्सपोर्ट। ऊपर बटन बना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विद एप्पल और कंटिन्यू विद फेसबुक है तो आप अपने किसी भी अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लें। निकनेम देना, कुछ भी दे दीजिए आप, इसको आप एक नाम दे दीजिए मोदी छोटू, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या बनाया है। सिंपली हमें गूगल पर जाना है और लिखना है कार्टून बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी, फ़ोटोज़ मिलेंगी, आप अपने सीन के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगती है बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी के लिए लिखता हूँ रूम कार्टून बैकग्राउंड, तो यहाँ रूम वाली कई सारी बैकग्राउंड आ जाएंगी, इनमें से मैं कोई भी डाउनलोड कर लूँगा। तो दोस्तों काइन मास्टर ओपन कर लिया है, अब हमें बनाना है एक प्रोजेक्ट। इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। किस तरह का वीडियो हम बनाना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, 1x1 की पोस्ट, या फिर 69 यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए एक फुल फ्लैश्ड वीडियो जो कि अभी हम बनाने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे 69 रेशो पे और हमारे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले कौन सी लेयर लेनी है। यहाँ पर एक बेस लेयर होती है जिसे कि मूव नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड वाली लेयर को सबसे पहले ले लेंगे। और ऐसा करने के लिए मीडिया पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने हमारे बैकग्राउंड को सेव किया था यहाँ से हम एक बार रूम वाली बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर मैं आपको बदल के भी दिखाऊंगा। तो ये हमारी लेयर आ गई है, कि इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं। बाद में भी हमें इसे अकॉर्डिंग टू हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है उसकी लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग बड़ा करना पड़ेगा। एक बार कर्जर को ले जाते हैं शुरू में और अब लेकर आते हैं मोदी जी वाली लेयर को। इस बार हमें मीडिया पर नहीं लेयर पर क्लिक करना है
लेयर पे टैप करने के बाद किस तरह की लेयर हमें चाहिए, इफेक्ट चाहिए, ओवरले चाहिए, हम इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, मीडिया चाहिए। यहाँ से हम हमारी मोदी जी वाली रिकॉर्डिंग जो हमने ट्वीन क्राफ्ट से की थी उसे सिलेक्ट कर लेंगे, टैप क्लिक करते। अब हमें इसको फ्रेम जो है छोटा आ रहा है, इसे आप इस तरह से ड्रैग करते हुए बड़ा कर लेंगे। पूरा बड़ा भी ना भी करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसे ग्रीन स्क्रीन से हटाना है। अब लेंथ को मैच कर लेंगे, ऊपर वाली लेयर को पकड़ते हुए एंड तक ले जाएंगे। तो सीन हमारा मैच हो गया है, दोनों सीन जो हैं। अब हमें ग्रीन स्क्रीन हटानी है, इसके लिए हम नीचे वाली लेयर को टैप करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोमा की पर टैप करेंगे, इनेबल करेंगे और कलर सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन ही रहता है। अगर आपके नहीं है तो आप इन चीज़ों के साथ ओपेसिटी, इंटेंसिटी, इनको कम ज़्यादा करते हुए अच्छे से ग्रीन स्क्रीन को हटा लीजिए। बिल्कुल इस तरह से आप एग्जैक्ट इसे कॉपी कर सकते हैं जो मैंने सेटिंग ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए की है, क्योंकि आप भी उसी ऐप से ही उसी कलर की ग्रीन स्क्रीन लेकर आएंगे जिस कलर की मैं लेकर आया हूँ। अब हमें इसे क्रॉप करते हुए नीचे जो ये लोगो आ रहा है मेरे नाम का, इसे हटाना है। तो यहाँ से हम लेंगे क्रॉपिंग। अब इसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ऐसा ना हो कि वो हवा में उड़ते हुए नज़र आएँ, फर्श पर, ज़मीन पर उनके पैर टिके होने चाहिए। तो इस ऊपर वाली लेयर को हम थोड़ा मूव करेंगे ऐसी जगह जो कि एकदम सही दिख रही हो। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए हम क्लिक कर टैप करेंगे ऑडियो पे, और जहाँ भी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ा है, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताऊँगा। अभी के लिए मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो जहाँ भी आपने जिस फोल्डर में सेव करके रखा है वहाँ से उसे सिलेक्ट करें और प्लस सिंबल पर ऐड करेंगे तो नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक लग जाएगा। इस बैकग्राउंड, दोस्तों, कार्टून में बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वो इसको कम करने के लिए जो हमारा साउंड ट्रैक है बिल्कुल नीचे वाला, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो स्पीकर का आइकन देख रहे हैं वॉल्यूम का, इस पर क्लिक करेंगे और जितनी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ हमारे मजाकिया सीन हैं, जहाँ फनी साउंड है, लाफ्टर की ज़रूरत होती है, तो मैं कहीं भी एक बार इसको सुनकर नहीं लगा रहा, मैं कहीं भी आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे प्ले करके देखिए। तो खिलौने नहीं आते आजकल, यहाँ पर लाफ्टर साउंड लगाने के लिए भी फिर से हम जाएंगे ऑडियो में, और लाफ्टर साउंड मैंने यहाँ पर एक दो डाउनलोड करके रखी हैं, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सुनने के लिए आप उस पर टैप करेंगे सिलेक्शन के लिए कि आपको कौन सी वाली टाइप चाहिए, जैसे एक और कर रखी, जो अच्छी लगे हम लगा देते हैं। प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाफ्टर लग जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद जहाँ जहाँ लाफ्टर की ज़रूरत है, जिस तरह के साउंड इफ़ेक्ट की, सिर्फ लाफ्टर ही नहीं होता, कोई गिर जाता है तो गिरने वाला साउंड इफ़ेक्ट, हर तरह के साउंड इफ़ेक्ट लगा कर आप इसे पूरा करें और इसका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से निकल कर आता है। हेलो छोटू, कैसे हो? मोदी जी, सब बढ़िया, आप सुनाओ? सब ठीक है ना? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी है मोदी जी, लेकिन महंगाई बहुत है, खिलौने नहीं आते आजकल। देश खिलौनों से नहीं, हथियारों से सुरक्षित रहता है। हथियार होंगे तो सीमा सुरक्षित होंगी। मोदी जी, अभी हमारी उम्र खेलने की है, खा पी कर खेल कर बड़े हो जाएंगे तो सीमा की सुरक्षा करेंगे, रेखा की, संगीता की, गीता की, सबकी। छोटू, इतनी छोटी उम्र, इतना ज्यादा ज्ञान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मोदी जी, ऐसी बातों पे वैसे ज्यादा ध्यान नहीं देता, ज्यादातर मैं खेलने में ध्यान देता हूँ। वैसे मामा कहती हैं चौथी में पढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से पांचवी पूरी करो और पार्टी में आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है वहाँ। दोस्तों, यहाँ जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, ये मैंने यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से लिया है, तो आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी का यूज़ करें, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, वहाँ से आप इसमें
ऑडियो के लिए पूरे का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हमने इफ़ेक्ट्स लगाए उस तरह के इफ़ेक्ट्स भी आपको यहाँ पर इस इफ़ेक्ट टैब में मिल जाएंगे। और भी कई सारे तरीके हैं, कई सारी और अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारा प्रोसीजर, सारा तरीका, सारा कार्यक्रम अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया है तो मोस्ट वेलकम, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हुए वहाँ पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। इसे और अच्छा बनाने के लिए आप एक अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक का चुनाव करेंगे जो कि आपकी थीम से, आपके जिस प्रकार का टेम्पो, टेम्पो का मतलब होता है ताल, हर गाने की एक स्पीड अलग होती है, उसकी ताल अलग होती है, उसी तरह से आपने अपने कार्टून वीडियो की ताल को ध्यान में रखते हुए एक सही म्यूजिक का चुनाव करना होता है। इसके लिए आप ऑडियो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब की, किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कोई हंसा है, गिरा है, कुछ फूटा है, टूटा है, उस जगह पर आपको ऑडियो इफेक्ट्स लगाने चाहिए, उससे जान आ जाती है आपके वीडियो में। और इसके साथ ही स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, स्क्रिप्ट के बगैर स्क्रिप्ट आप अपने वीडियो को यूं ही इधर उधर ऐसे मत लेके जाइए। पहले से पूरा प्लान करके रखिए कि फाइनल जो है एंड किस तरह से होगा, शुरुआत किस तरह से होगी, और बीच में वीडियो को लंबा करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन से डायलॉग बोलेंगे, इवन कि डायलॉग तक भी लिख लीजिए। आप किसी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी के प्रोड्यूसर से कम नहीं हैं, डायरेक्टर हैं आप अपने वीडियो के, तो पूरी तरह से डायरेक्ट कीजिए, अच्छे से लिखिए। और आपको आपके काम के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैं हूं ना, कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ बड़ी जल्दी ही। बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक करना है और शेयर भी करना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट आपको 100% गारंटी के साथ मिलता रहेगा हमेशा। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय।